हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SVG चैनल में। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज जो आपके सामने निकल कर आ रही है, सेकंड ईयर जिबाजी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के BA, BCOM और BSc के जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र को किस तरह से डाउनलोड करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का जो नेम है वो है दोस्तों जिबाजी यूनिवर्सिटी MP ऑनलाइन। जिबाजी यूनिवर्सिटी MP ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाओगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको एक टैब दिखाई देगा अवेलेबल सर्विस, एक टैब दिखाई देगा अवेलेबल सर्विस का। और इस अवेलेबल सर्विस वाले टैब में आपको एक सब टैब दिखाई देगा जिसका नाम है दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट PhD। इसी में आपको एक टैब दिखाई देगा छोटा सा, इसमें लिखा होगा दोस्तों, क्या लिखा होगा, इसके नीचे एक टैब दिखाई देगा फर्स्ट नंबर पर। और सेकंड नंबर पर आपको एक टैब दिखाई देगा, उसका जो नेम है दोस्तों वो है दोस्तों एडमिट कार्ड फॉर रेगुलर प्राइवेट ATKT EX। इस वाली लिंक से आप किस किस के जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर वाले स्टूडेंट, प्राइवेट वाले स्टूडेंट, ATKT वाले स्टूडेंट और EX वाले स्टूडेंट, चारों स्टूडेंट एक ही लिंक के माध्यम से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। एक ही लिंक से दोस्तों एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे आप। ओके, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड, और फर्स्ट पर दिखाई देगा रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर। अगर आपके पास में रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है, एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, यानी कि नामांकन नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद सिलेक्ट सेमिस्टर, सिलेक्ट सेमिस्टर में क्या करना है आपको, यहाँ से आपको दोस्तों सेकंड ईयर को सिलेक्ट कर लेना होगा क्योंकि हम सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट ईयर टर्म में आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट ईयर टर्म में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मार्च 2020, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च 2020 के एग्ज़ाम होंगे, इसलिए हमको मार्च 2020 को सिलेक्ट करना होगा। ओके, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट स्टेटस। तो हमको सिलेक्ट स्टेटस में क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हो, रेगुलर का एडमिट कार्ड निकालना चाहते हो तो रेगुलर को सिलेक्ट कीजिए, प्राइवेट वाले स्टूडेंट प्राइवेट को सिलेक्ट कीजिए, ATKT वाले स्टूडेंट ATKT को, और सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है वो सप्लीमेंट्री को सिलेक्ट करना है, तो रेगुलर को दोस्तों सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हमको करना होगा सर्च। दोस्तों, आप वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जो भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी डालने के बाद में हमारे सामने आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस, जिबाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर एडमिट कार्ड। दोस्तों, ये मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये मैंने ब्लर कर दिया है, जिससे क्या है, किसी की जो एक कैंडिडेट की जो जानकारी होती है, जो प्राइवेसी होती है, वो किसी को पता ना चल सके और उसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। इसलिए मैं सबके जो एग्ज़ाम फॉर्म को या कोई भी जो जानकारी किसी कैंडिडेट की लेता हूं उसको मैं ब्लर कर देता हूं। ओके दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या क्या दिखाई देगा वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। रोल नंबर आपको यहां पर दिखाई देगा, जो भी आपका रोल नंबर होता है। सीजन हमने मार्च 2020 को सिलेक्ट किया था। ब्रांच कोड हमारा रेगुलर है क्योंकि हम रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं। एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ये एप्लीकेशन नंबर दोस्तों वो एप्लीकेशन नंबर है जब आपने सेकेंड ईयर का फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम पर आपको पेमेंट किया था, पेमेंट करते टाइम पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला था, और मैंने आपसे बोला भी था कि इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर भी नोट डाउन करके रख लेना है, तो ये वही एप्लीकेशन नंबर है दोस्तों। ओके, इसके बाद कोर्स सेमेस्टर, जो भी आपका कोर्स या सेमेस्टर होता है वो यहाँ पर शो करेगा। ब्रांच कोड जो कि 8 से लिया है हमने, C028 हमारा ब्रांच कोड है। कैंडिडेट ने आपका नेम, फादर्स नेम, आपके पिताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म दिनांक, जेंडर मेल दिखाई देगा। इसके बाद में
इसके बाद में आपका एनरोल नंबर, जो भी आपका एनरोल नंबर होता है, कैटेगरी, स्टेटस, मीडियम, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपकी मादाजी का नेम जो भी होता है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। और एक बार अच्छे से आपको चेक कर लीजिएगा कि आपके द्वारा जो जहाँ पर जो जानकारी शो हो रही है वो सही जानकारी है या गलत जानकारी है। यहाँ पर आपका फ़ोटो और नीचे सिग्नेचर शो करेंगे दोस्तों, ओके। इसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है वो आपका एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना है। और एक कॉलेज नेम दोस्तों क्या है, कॉलेज नेम जहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जहाँ पर आप अपनी स्टडी करते हो वो होता है हमारा कॉलेज नेम। यहाँ पर अपीयरिंग सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट का देना है वो आपके अपीयरिंग सब्जेक्ट में बताए गए हैं। और साथ ही आपके सब्जेक्ट के साथ साथ कोड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके जो जिस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। हम एग्जाम एडमिट कार्ड को डाउनलोड कब कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं भले ही, ओके। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रिंट के ऑप्शन पर प्रिंट निकाल कर आप अपने जो कि एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर पर जा सकते हैं इसको प्रिंट निकालने के बाद। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आती है आई होगी, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों प्लीज़ यार, छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।